नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो उनका सीएम हाउस के अंदर उन्होंने एक गुंडा पाल रखा था विभव नाम का, उससे अब सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया है। और केजरीवाल के पल्ला झाड़ते ही विभव कुमार की मुश्किलें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि अब विभव कुमार दिल्ली पुलिस के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुका है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जब तक केजरीवाल का हाथ था तब तक विभव कुमार काफी अकड़ में दिखाई दे रहा था, और ये अकड़ इस कदर बढ़ी हुई थी विभव की कि वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये दो तरफा मुसीबत पड़ गई, एक तरफ केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल के अंदर चले गए और आने वाले समय में उनकी बहुत सारी मुश्किलें बढ़ रही हैं, दूसरा ऊपर से ये मुसीबत और आ गई विभव की, तो विभव से अब क्योंकि विभव के मामले में अगर केजरीवाल किसी भी तरीके की लीपापोती करने की कोशिश करते तो केजरीवाल खुद अधिक फंस जाते। और केजरीवाल को यह भी पता है कि स्वाति मालीवाल कांड को भारतीय जनता पार्टी अगले साल दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर बुनाने वाली है। पोस्टर बैनर बन चुके हैं कि महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था और किस तरीके से एक अपनी ही सांसद को सीएम हाउस के अंदर मारा पीटा गया, कूटा गया। तो ये सारा मामला अगर बहुत मुश्किल पड़ता है तो विभव और स्वाति मालीवाल इनमें से एक को चुनना पड़ेगा केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल एंड कंपनी पहले ही स्वाति मालीवाल को चुन चुकी थी, पहले ही विभव को चुन चुकी थी और स्वाति मालीवाल को धक्का मार चुकी थी, लेकिन अब ये पूरा मामला उल्टा पड़ गया है। विभव भी बहुत ज्यादा अकड़ में था शुरू में, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि एक तो वो अलग थलग पड़ता जा रहा है, कानूनी जो लड़ाई थी उसे अपने पैसे से लड़नी पड़ेगी, और दूसरा अब उसकी सुनवाई जल्दी से होने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा शिकंजा केजरीवाल और विभव के ऊपर कस गया है दिल्ली पुलिस का। आज दिल्ली पुलिस ने कल स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिकायत दर्ज कराई थी विभव के खिलाफ, क्योंकि स्वाति मालीवाल उच्च सदन की यानी कि राज्यसभा की सदस्य हैं, तो उनके जो गार्जियन हैं एक प्रकार से, उनकी जो सभी राज्यसभा के सांसदों की जो देख रेख करते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उस पर कार्रवाई करवाते हैं, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो अगर कोई किसी राज्यसभा सांसद के साथ कुछ भी ऐसा घटित होता है तो वो अपनी शिकायत राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़, उनके यहाँ दर्ज करा सकता है। कल स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और उसका एक्शन आज दिल्ली के अंदर होता हुआ दिखाई दिया कि विभव कुमार के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस के एक्शन को देखकर विभव कुमार बुरी तरीके से रोने लगा। तिहाड़ जेल के अंदर उसकी रुलाई रुक नहीं रही थी। जो हमारे सूत्र तिहाड़ जेल के जो बताते हैं, विभव कुमार घंटों बैठकर अपने जो उनका सेल है उसके अंदर घंटों बैठकर फूट फूट कर रोया है, क्योंकि अब वो बुरी तरीके से फंस गया है। एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि अब विभव कुमार को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके आका जो केजरीवाल हैं वो अब तिहाड़ जेल के अंदर ही बैठे हैं और उन्होंने अपने हाथ केजरीवाल की मदद विभव कुमार की मदद से खींच लिए, यानी कि विभव कुमार को अब बहुत मुश्किल पड़ गया है। और जो विभव कुमार था वो केजरीवाल के लिए राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो केजरीवाल एंड कंपनी के लिए गले की फांस बन चुका है विभव कुमार, और अब इस फांस को निकालने का केवल एक ही रास्ता है कि विभव कुमार से पल्ला झाड़ दिया, और यही काम अब केजरीवाल ने किया। तो जैसे ही उन्होंने पल्ला झाड़ा वैसे ही दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन ले डाला विभव कुमार के खिलाफ, और विभव कुमार को लेने के देने पड़ गए। आज फूट फूट कर पूरे दिन विभव कुमार इस बात पर रोते रहा, जैसे ही उसके पास उसने अपने टीवी चैनल पर यह खबर चलती देखी कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ नई धारा जोड़ दी है। जी हाँ, अब हम आपको ये विस्तार से ये खबर बताते हैं।
स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद सीएम हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरों की 3 DVR जब्त की गई थी। तीनों DVR में छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर जांच के लिए उसे FSL की टीम के पास भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जो FSL है, जो डिपार्टमेंट FSL है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मजे की बात देखिए, जहां तिहाड़ जेल है, वो तिहाड़ जेल भी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। दिल्ली सरकार किसकी? अरविंद केजरीवाल की। और जो FSL है, वो भी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। और जांच किसके खिलाफ हो रही है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आप समझिए, जब केजरीवाल ने सरकार बनाई तो एक अपना FSL, अपनी एक टीम बनाई अलग से कि हमारी टीमें जाएंगी और जांच करेंगी मौका वारदात पर। आज वो टीमें कहीं दिखाई नहीं देती हैं, कहीं पर नजर नहीं आती हैं। यानी कि सारे वादे जो थे वो हवा में थे अरविंद केजरीवाल के। और आज उनके उन्होंने जितने हथियार अपने विपक्ष के लिए जमा किए थे, एक एक करके वो सारे रॉकेट खुद केजरीवाल पर उल्टे चल रहे हैं, यानी बैकफायर। अब आपको बताते हैं कि मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की नई धारा जोड़ी गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के अंदर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201, जिसका मतलब है अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना, ये जोड़ा गया है। और इस मामले में आपको हम ये भी बताते हैं कि उन्होंने ये भी बताया पुलिस ने कि इस सेक्शन 201 के अंतर्गत इस मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है। यानी कि अगर विभव कुमार को स्वाति मालीवाल मारपीट केस में मान लीजिए 6 साल की 7 साल की 8 साल की सजा होती है, तो विभव कुमार को इसके छठे हिस्से की सजा करीब करीब 6 से 8 महीने की सजा और भुगतनी पड़ेगी। और ये केस उससे पुख्ता हो जाएगा 201 लगने के बाद। चाहे जितनी छेड़छाड़ कर ले, तो अगर ये सेक्शन लग गया तो वो सारे आरोप पुलिस साबित कर देगी अदालत के अंदर, जो विभव कुमार ने जिनके लिए और केजरीवाल ने जिनके लिए सारे सबूत मिटाए थे। 16 मई को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर पर सीएम हाउस पर गई थी, तब विभव कुमार ने उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की थी। इससे पहले दिल्ली की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि उन पर गंभीर मामले आरोप लगे हैं और उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका है। कुमार का 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगाए उन पर, और उन्हें पिछले शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल का अब ये गुंडा बुरी तरीके से फंस चुका है और अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी लपेटे जा सकते हैं किसी भी वक्त, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात से फूले नहीं समा रहे थे कि वो एक इंडिया गठबंधन नाम का जो एक टुच्चा सा संगठन बनाता हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें सारे घोटावालेबाज शामिल थे और जिसमें सबसे खत्म प्राय हो चुकी हिंदुस्तान में कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी बढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, कूद रहे थे, और उसी के अंदर भाग भाग कर अरविंद केजरीवाल चार्टर प्लेन से पहुंच रहे थे,
तो उन्हें लग रहा था कि कुछ चमत्कार हो गया है बड़ा, और वो अब जेल नहीं जाएंगे और वो विभव को भी बचा लेंगे। लेकिन सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली, और इस शपथ से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ मैसेज दे दिया था कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, और इस एक्शन का मतलब यह है भ्रष्टाचारी और गुंडों का सफाया करना। तो जो अरविंद केजरीवाल के लिए गुंडागर्दी कर रहा था सीएम हाउस के अंदर, अब उसका सफाया निश्चित है। बहुत बड़ी बात है, अभी उसमें एक एक्शन होना बाकी है, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस पर एक्शन लेते हैं तो सचमुच पुलिस एक्शन मोड में आ जाएगी और विभव कुमार बच नहीं पाएगा। बहुत बड़ी बात है, इसमें अरविंद केजरीवाल भी फंसे हुए हैं। जैसे ही विभव कुमार को सजा होती है तो छींटे अरविंद केजरीवाल तक भी आएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल की एंड कंपनी की छवि बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है दिल्ली के अंदर। और अगर स्वाति मालीवाल कांड उछाला जाता है या उछलता है तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फिनिश हो जाएगी दिल्ली के अंदर। बहुत बड़ी खबर है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात और कहनी है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हम आपको कुछ लोगों से हटके बता पाते हैं, कुछ खबरें अच्छी दे पाते हैं। आप हमारी खबरों के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा करें। हम कई बार आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं और कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों के अंदर शामिल भी करते हैं, ताकि हमारी खबरों में आपकी राय के साथ बहुत बड़ा और निखार आ सके। जय हिंद, जय भारत।